नमस्कार, मैं डॉक्टर अशोक त्रिपाठी आपका स्वागत करता हूँ अपने चैनल हिस्ट्री कल्चर हिस्टोरियोग्राफी एंड रिसर्च मेथोलॉजी में। मित्रों, आज का जो टॉपिक है हमारा चर्चा का, वो है मगध साम्राज्य का उदय, राइज ऑफ मगध एम्पायर। इससे पहले कि हम चर्चा प्रारंभ करें, सदैव की तरह आपसे मेरी विनम्र प्रार्थना है कि चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, और इसके अलावा आप अपने दोस्तों को भी बताइए, सबके साथ शेयर भी कीजिए। तो आइए चर्चा प्रारंभ करते हैं मगध साम्राज्य का उदय। मगध साम्राज्य के उदय में, इस टॉपिक में हम बातचीत करेंगे जो विभिन्न राजवंश जिन्होंने शासन किया मगध साम्राज्य पर, हरियंक वंश से लेकर के हम इस पे मौर्य वंश के उदय तक की चर्चा करेंगे। तो मगध का जो साम्राज्य था वो किस तरह से निर्मित हुआ और हरियंक वंश के आने के पहले उसकी क्या स्थिति थी, इन सब बातों के ऊपर हम लोग आइए चर्चा करते हैं। मित्रों, प्राचीन भारतीय इतिहास में मगध का स्थान सर्वोपरि रहा है और बहुत लंबे समय तक उत्तर भारत की राजनीति, उत्तर भारत की संस्कृति, साहित्य, कला, आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक गतिविधियों इत्यादि का केंद्र मगध ही था। और मगध का प्रारंभिक इतिहास थोड़ा धुंधला है, उसके बारे में हमें ज़्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन फिर भी हमें पुराणों में, महाभारत इत्यादि में मगध के बारे में जानकारी मिलती है। तो मगध साम्राज्य काफ़ी पुराना रहा है, जैसे आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं। महाभारत काल में यहाँ पर बृहद्रथ या बारहद्रथ वंश के शासकों का शासन था, जिनमें जरासंध का नाम आपने अवश्य सुना होगा। जरासंध बहुत प्रतापी शासक था और कृष्ण को उसके डर से मथुरा छोड़ करके द्वारका की ओर प्रस्थान करना पड़ा था, क्योंकि दोनों में निरंतर युद्ध चलता रहता था। अनेक बार कृष्ण उसे बार बार पराजित करते थे, लेकिन वो फिर कृष्ण के ऊपर चढ़ाई कर देता था। ये हमें महाभारत में मिलता है। और अंत में जब पांडव लोग अज्ञातवास में थे, तो उस समय कृष्ण ने उसे भीम के द्वारा द्वंद्व युद्ध में मरवा दिया था। तो इस वंश के अंतिम शासक, यानी बृहद्रथ या बारहद्रथ वंश के अंतिम शासक का नाम रिपुंजय था, और रिपुंजय की उसके मंत्री पुलिक ने हत्या कर दी थी और अपने पुत्र बालक को शासक बनाया था। तो इस तरह से हम ये देखते हैं कि थोड़ा सा पुराणों, महाभारत इत्यादि में हमें मगध के बारे में जानकारी मिलती है। तो पुलिक के शासक बनने के बाद वो भी बहुत ज़्यादा दिन तक शासन नहीं कर पाया। पुलिक वंश का अंत जो उसी के एक शासक या उसी के एक सामंत भट्टी द्वारा किया गया, ऐसा कहीं कहीं उल्लेख मिलता है। और तो भट्टी ने बालक की हत्या कर दी, बालक जो शासक था वहाँ का, मगध का, पुलिक वंश का, और उसने अपने पुत्र बिंबिसार को सिंहासनारूढ़ किया। तो इस तरह से हरियंक वंश की नींव पड़ी। छठी शताब्दी ईस्वी पूर्व में मगध साम्राज्य का उत्थान हुआ इस प्रकार। और आपने 16 महाजनपदों के बारे में पढ़ा होगा। 16 महाजनपदों में मगध सबसे अधिक शक्तिशाली था, सर्वश्रेष्ठ था। और जो समकालीन ग्रंथ हैं, जो ब्राह्मण ग्रंथ हैं, बौद्ध ग्रंथ हैं, या जो जैन साहित्य है, इन सब से प्रमाणित होता है कि मगध सबसे अधिक शक्तिशाली था। और उसने धीरे 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 बाकी के जो महाजनपद थे उनके ऊपर अपना प्रभुत्व स्थापित कर लिया। ब्राह्मण ग्रंथ और पुराण छठी शताब्दी ईस्वी पूर्व के राजनीतिक उथल पुथल का विस्तार से वर्णन करते हैं, परंतु पुराणों और सिंगली
बौद्ध ग्रंथ महावंश के विवरणों में पर्याप्त अंतर है, यानी जो बौद्ध ग्रंथ है वो कुछ और कहते हैं, ब्राह्मण ग्रंथ जो हैं वो कुछ और कहते हैं। तो इस तरह से थोड़ा सा सावधान होकर के विभिन्न मतों का परीक्षण करते हुए हमें आगे बढ़ना होगा। मित्रों, महावंश नंदों से पहले शासन करने वाले शासकों की एक लंबी सूची प्रस्तुत करता है, जिनका नाम आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, बिंबिसार, अजातशत्रु, उदयभद्र, अनुरुद्ध, मुंड, नागदासक, शिशुनाग, कालाशोक और कालाशोक के 10 पुत्र। इसी तरह से आप देखेंगे तो पुराणों की जो सूची है वो भिन्न है। पुराण जो है वो शिशुनाग को मगध का पहला शासक मानते हैं और वो ये कहते हैं कि जो 10 शासक थे वो इस तरह से, शिशुनाग, काकवर्ण, क्षेमधर्मन, क्षत्रायुज, बिंबिसार, अजातशत्रु, दर्शक, उदयन, नंदिवर्धन और महानंदिन। तो इस तरह से हम ये देखते हैं कि दोनों जो बौद्ध ग्रंथ हैं और साथ ही साथ जो ब्राह्मण ग्रंथ हैं, दोनों के विवरण में पर्याप्त अंतर है। मित्रों, महावंश के अनुसार बिंबिसार जो था वो 15 वर्ष की अवस्था में अपने पिता के द्वारा गद्दी पर अभिषिक्त किया गया और यह प्रकट करता है कि वह किसी राजवंश का संस्थापक नहीं था। यानी उसको जब उसके पिता ने गद्दी पर बिठाया तो इसका मतलब ये था कि संस्थापक कोई और रहा होगा, जैसा कि महावंश कहता है। डॉक्टर भंडारकर ने उसके उपाधि श्रेणिक से अनुमान किया है कि वास्तविक रूप से बिंबिसार संभवतः वज्जियों का सेनापति था और बाद में उसने मगध पर अपना प्रभुत्व स्थापित कर लिया होगा और राजा बन गया होगा। तो इस तरह का मत जो है डॉक्टर भंडारकर प्रस्तुत करते हैं। मैं और भी बहुत सारे मत हैं, जैसे डॉक्टर हेमचंद राय चौधरी हैं, उनका ये कहना है कि मगध का जो प्राचीन इतिहास है वो काफ़ी धुंधला है, अंधकारपूर्ण है और कहीं कहीं कुछ लोगों के नाम हमें सुनाई पड़ते हैं, कुछ योद्धाओं के, कुछ राजनीतिज्ञों के, जिनमें से कुछ तो शायद बिल्कुल ही काल्पनिक थे और कुछ एक उनमें से वास्तविक रहे हो सकते हैं। तो मगध का वास्तविक इतिहास वास्तव में बिंबिसार से ही आरंभ होता है, ऐसा हेमचंद राय चौधरी का मानना है, क्योंकि उसके पहले जो लोग थे वो उनके बारे में हमें ज़्यादा जानकारी नहीं है। इसी तरह से डॉक्टर RC मजुमदार और डॉक्टर RK मुखर्जी जैसे विद्वान जो है, उनका भी यही विचार है कि बिंबिसार ने ही हर्यंक वंश की स्थापना की और शिशुनाग ने उसके बाद अपने वंश की स्थापना की। यानी कि पहले हर्यंक वंश आया, बाद में शिशुनाग वंश आया। और डॉक्टर विमल चंद पांडे का मानना है कि बिंबिसार शिशुनाग से पूर्व ही हुआ होगा, इसमें कोई शक नहीं है, और वह शिशुनाग वंश का नहीं था। यानी बिंबिसार जो है वो शिशुनाग वंश का नहीं था, हर्यंक वंश का था, जैसा कि बौद्ध साहित्य में लिखा हुआ है। तो इस तरह से मित्रों, हम विभिन्न इतिहासकारों के मत का परीक्षण करने पर पाते हैं कि वास्तव में हर्यंक वंश का जो प्रारंभ होता है वो बिंबिसार के समय से ज़्यादा स्पष्ट होता है, भले ही वह उसका संस्थापक न रहा हो, संस्थापक चाहे कोई और रहा हो। तो महावंश में यद्यपि बिंबिसार के पिता के नाम का उल्लेख नहीं किया गया है, किंतु अन्य यूनानी या अन्य सूचनाओं के अनुसार उसके पिता का नाम भट्टी है अथवा महापद्म था। अब डॉक्टर भंडारकर का विश्वास है कि बिंबिसार शिशुनाग वंश से अलग था, जैसा कि उसके नाम से प्रकट है, और वह नागवंश से संबंधित था, किंतु अश्वघोष के बुद्धचरित के अनुसार बिंबिसार हरण्य कुल का वंशज था। महावग्ग जो कि एक बौद्ध ग्रंथ है, उसके अनुसार बिंबिसार के 500 पत्नियां थीं और पत्नियों की संख्या चाहे जो भी रही हो, किंतु यह तो निश्चित है कि उसके राजनैतिक जीवन को सुदृढ़ बनाने में वैवाहिक समझौतों का बहुत बड़ा हाथ था। उसकी पहली पत्नी कोसल के राजा प्रसेनजीत की बहन थी,
जिसने कि उसे दहेज के रूप में काशी में 1 लाख राजस्व के साथ एक गांव दिया था। उसकी दूसरी पत्नी का नाम चेल्लना था, जो कि लिच्छवी सामंत चेतक की पुत्री थी, और उसकी तीसरी पत्नी वैदेही अथवा वासवी थी, जिसने कि अजात शत्रु द्वारा कैद किए जाने पर उसकी बड़ी सेवा की थी। चेल्लना के विषय में भी कभी कभी यही बात कही जाती है कि उसने भी जो है बिम्बिसार की बड़ी सेवा की थी। उसकी चौथी पत्नी खेमा मद्र के राजा की पुत्री थी, मद्र यानी जिसे आप कह सकते हैं सेंट्रल पंजाब। तो बिम्बिसार के अनेक पुत्र थे और वे अपने ननिहाल से राजनीति किया करते थे। बिम्बिसार ने पहले पहल महागोविंद की सहायता से गिरिव्रज, जिसे राजगढ़िया भी कहते थे, मैं अपनी राजधानी बनाई और गिरिव्रज से ही वो शासन करने लगा। और शाम के वक्त नगर का द्वार बंद हो जाता था और उसके बाद स्वयं राजा भी उसमें प्रवेश नहीं कर सकता था, यानी सुरक्षा की पूरी चाक चौबंद व्यवस्था थी। कुछ इतिहासकारों के अनुसार बिम्बिसार के पिता अंगराज्य के हाथों पराजित हुए थे, इसलिए बिम्बिसार ने सफलतापूर्वक अंग जैसे समृद्ध देश पर अभियान करके उसे विजित किया और अपने राज्य में अंग को मिला लिया। तो अंग की राजधानी चंपा थी और अंग बड़ा महत्वपूर्ण राज्य था, क्योंकि जो विदेशी व्यापार वगैरह होता था तो वो उस तरफ से होता था। सॉरी। तो उस समय 6 प्रमुख बौद्ध जो बौद्ध केंद्र थे उनमें भी अंग की गिनती होती थी। मित्रों, उसने यानी बिम्बिसार ने अपने पुत्र कणिक को वहां का गवर्नर बनाया और अंग की विजय और काशी के शांतिपूर्ण अधिग्रहण से मगध साम्राज्य की सीमाएं काफी विस्तृत हो गईं और करीब करीब पूरा भारत उसके अंतर्गत आ गया। अवंती के राजा प्रद्योत से उसका अच्छा संबंध था और उसके बीमार होने पर उसने अवंती के राजा ने अपने प्रसिद्ध वैद्य जीवक को उसके इलाज के लिए भेजा था, ऐसा उल्लेख हमें मिलता है तत्कालीन ग्रंथों में, समकालीन ग्रंथों में। तो उसकी प्रगतिशील नीतियों को आगे बढ़ाने में कूटनीतिक और वैवाहिक संबंधों का बड़ा योगदान रहा। बिम्बिसार के राज्य के विषय में कहा जाता है कि वह 300 संघों तक विस्तृत था, जिसमें 200 अतिरिक्त संघ अजातशत्रु की विजयों द्वारा मिलाए गए थे। उसके राज्य में 80,000 समृद्ध गांव थे। सर्वाधिक महत्वपूर्ण ग्राम जो था वो उसका नाम था सेनानी ग्राम, जो कि संभवतः सैनिकों की भर्ती के लिए प्रसिद्ध था। एक नाला प्रसिद्ध ब्राह्मण विद्वान भरद्वाज के घर के रूप में जाना जाता था, जिनको कि बुद्ध ने परिवर्तित किया था। इसी तरह से नालक ग्राम में सारिपुत्त ने प्रवचन दिया था। बिम्बिसार के राज्य में असंख्य गणतंत्रीय और अर्ध स्वतंत्र समुदाय सम्मिलित थे और उनका मुखिया राजकुमार कहा जाता था। बौद्ध ग्रंथ इस विशाल राज्य के प्रशासन पर थोड़ा बहुत प्रकाश डालते हैं। गांवों का शासन अपने स्वयं के विधानों द्वारा ही या अपने नियम कानून से संचालित होते थे। गांव गांव का एक मुखिया होता था जिसे ग्रामक कहा जाता था। महावग्ग के अनुसार ग्रामकों के एक बहुत बड़े विधान या ग्रामकों का एक बहुत बड़ा जो है वो एक बहुत बड़ी सभा जैसी आप कह लीजिए कि एक असेंबली जैसी जो है एक विधानसभा हुआ करती थी और मुख्यालयों के महत्वपूर्ण अधिकारी जो थे वो महामात्र कहे जाते थे। तो इस तरह से जो है ये महामात्र जो है वो कई तरह के थे, जैसे कि प्रशासनिक भी होते थे, वो न्यायिक भी होते थे और सेना से संबंधित या सैन्य महामात्र भी होते थे। और दंड व्यवस्था कठोर थी उस समय की और जो दंड विधान था उसमें
किसी लिखित दंड विधान वगैरह का हमें उल्लेख तो नहीं मिलता है, लेकिन जो दंड देने की जो प्रथा थी उसके अनुसार अंग भंग भी किया जाता था गंभीर अपराधों पे। तो इन सब पर बिंबिसार का कठोर नियंत्रण था, यानी जो राजा था वही सर्वे सर्वा होता था, वो सारी शक्तियाँ उसी में निहित होती थी। बौद्ध और जैन दोनों ही धर्मों के लोग जो थे वो इस बात का दावा करते हैं कि बिंबिसार उनका अनुयायी था, यानी बौद्ध कहते हैं कि बिंबिसार बौद्ध था, जैन कहते हैं कि बिंबिसार जैन था। लेकिन सच्चाई क्या थी इसकी जांच हमें करनी होगी। हेमचंद्र जो कि जैन विद्वान था वो ये कहता है कि जब राज्य ठंड की महामारी से गुजर रहा था तब बिंबिसार देवी चेलना के साथ महावीर की पूजा के लिए गया था। बौद्ध ग्रंथ भी इसी तरह का दावा करते हैं और उनका ये कहना है कि वह बिंबिसार गौतम बुद्ध से मिला था अपने राजधानी में गिरिब्रज में, और जिसके 7 वर्ष बाद बुद्ध ने बोध प्राप्त किया था। तो उस समय भी वह बुद्ध से बहुत ज़्यादा प्रभावित था, बहुत अधिक प्रभावित था, और उनको उसने बहुत बड़ा पद और धन देने का आग्रह भी किया था कि आप हमारे राज्य में रहिए, हम आपको धन देंगे पद देंगे, लेकिन बुद्ध ने उसे स्वीकार नहीं किया था क्योंकि वो सन्यासी हो चुके थे। दूसरी मुलाकात राजगृह में हुई जबकि बुद्ध को ज्ञान हो चुका था, यानी बुद्ध जो है वास्तव में वो बुद्ध हो चुके थे। तो इसी समय बिंबिसार से बौद्ध धर्म ग्रहण करने के लिए उन्होंने कहा था और बिंबिसार ने बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया था। तो बिंबिसार ने अपने वैद्य जीवक को बुद्ध की सेवा में समर्पित कर दिया था। मित्रों, बौद्ध परंपरा के अनुसार बिंबिसार की मृत्यु उसके पुत्र अजातशत्रु के हाथों हुई, यानी कि ये कहा जाता है कि इस वंश के जितने भी शासक थे वो सभी पितृहंता थे, यानी अपने पिता को मार मार के सब गद्दी पे आए थे। तो अजातशत्रु ने बुद्ध के चचेरे और दुष्ट भाई देवदत्त की के द्वारा भड़काए जाने पर बिंबिसार की हत्या करने का असफल प्रयास किया। बिंबिसार ने उसे क्षमा कर दिया और अपना उत्तराधिकारी घोषित किया, किंतु देवदत्त ने उसे पुनः भड़काया और कहा कि जीवन अल्प है और गद्दी मिलने में अभी देर है, इसलिए अगर तुम जल्दी गद्दी प्राप्त करना चाहते हो तो अपने पिता की हत्या कर दो और गद्दी प्राप्त कर लो, तुम कब तक इंतजार करोगे। अजातशत्रु ने उसकी बात मान ली, उसे लगा कि ये ठीक है और उसने अपने पिता की हत्या की योजना बनाई किंतु और हत्या कर दी। किंतु जैन परंपरा कुछ और कहती है, जैन परंपरा के अनुसार वो पितृहंता नहीं था, यानी जैन जो हैं वो उसके प्रति थोड़ा विनम्र हैं अजातशत्रु के प्रति। तो इस तरह से उनके अनुसार यानी जैनों के अनुसार गद्दी प्राप्त करने की आतुरता में उसने अपने पिता को कारावास में बंद कर दिया, जबकि उसके पिता ने उसे अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया था। और कारावास में ही बिंबिसार की पत्नी चेलना ने भक्तिपूर्वक उसकी सेवा की थी, और एक बार तो उसने बिंबिसार को आराम देने के लिए उसकी कहते हैं कि फूली हुई उंगली को चूसा भी था। अजातशत्रु का इस को इससे बड़ा दुख हुआ और उसने अपने पिता के प्रति अन्याय को महसूस किया तथा उसकी बेड़ियों को तोड़ने का आदेश दिया। अपने पुत्र की प्रगति से भयभीत होकर के बिंबिसार ने कहते हैं कि जहर पान करके अपने जीवन का अंत कर लिया। तो अब क्या सच्चाई है क्या सच्चाई नहीं है, हमने आपके सामने दोनों मत रख दिए, जो बौद्धों ने कहा और जो जैनों ने कहा, लेकिन अधिकांश विद्वान यही मानते हैं कि जो बिंबिसार था वो पितृहंता था। तो इस तरह से बिंबिसार की मृत्यु हो गई और बिंबिसार की मृत्यु के बाद अजातशत्रु उसका उत्तराधिकारी बना। अजातशत्रु जो था उसने अपने पिता की विस्तार नीति को कायम रखा, बनाए रखा, और गद्दी पर आने के बाद उसने भी जो है अपने साम्राज्य का विस्तार प्रारंभ किया। उसने अपने साम्राज्य विस्तार का प्रारंभ कौशल के विरुद्ध युद्ध से किया। सबसे पहले उसने कौशल के खिलाफ अभियान किया
अजातशत्रु पित्रयांता था और कोशल की राजकुमारी पति के दुख से मर गई थी, इसलिए राजा प्रसेनजीत बहुत नाराज था। तो उसने काशी की भेंट जो कि बिंबिसार को दहेज में दी गई थी उसको निरस्त कर दिया, यानी कि काशी जो दी गया था उसको बिंबिसार को, तो उसे निरस्त कर दिया गया। तो पहले पहल तो अजातशत्रु को कोशल के खिलाफ विजय मिली, लेकिन शीघ्र ही भाग्य ने पलटा खाया और अजातशत्रु को अपनी सेना सहित प्रसेनजीत के समक्ष समर्पण करना पड़ा। अंततः प्रसेनजीत की उदारता के परिणाम स्वरूप दोनों के बीच शांतिपूर्ण संबंध बन गए एक बार फिर से, यानी दोनों के बीच आप कह सकते हैं कि समझौता हो गया। प्रसेनजीत ने उसे काशी गांव लौटा दिया और अपनी बेटी वजीरा का विवाह भी उसके साथ कर दिया। तो इस तरह से कौशल के साथ अभियान तो उसने किया ही कौशल के विरुद्ध, लेकिन उसके बाद फिर वैवाहिक संबंध बन गए और उनमें मित्रतापूर्ण संबंध बन गए। जैन ग्रंथ अजातशत्रु को पूर्वी भारत में एक महान राजनीतिक प्रभुत्व रखने वाले विजेता के रूप में प्रस्तुत करते हैं और उसकी बड़ी प्रशंसा करते हैं। जैन ग्रंथों के अनुसार उसके साम्राज्य में 36 गणतंत्रीय राज्य सम्मिलित थे और जिसमें जो है बहुत सारे राज्य थे, जैसे मल्कि, लिच्छवी, नौ गणतंत्र लिच्छवी के थे, नौ मल्कि के थे, इसी तरह से 18 काशी के थे, कौशल के गणराज्य थे जो कि उसके राज्य में सम्मिलित थे। तो 9 मल्कि के और 9 लिच्छवी के और 18 काशी और कौशल के, तो कुल मिला के 36 गणतंत्र हो गए जो कि उसके साम्राज्य में सम्मिलित थे, जैसा कि जैन ग्रंथ कहते हैं। तो इस राज्य संघ का विनाश अजातशत्रु द्वारा सर्वाधिक शक्तिशाली लिच्छवी गणतंत्र की विजय का परिणाम थी। लिच्छवी के ऊपर विजय पाना सरल नहीं था उसके लिए, तो दोनों के बीच संघर्ष चल रहा था और दोनों के बीच संघर्ष के कई कारण थे। तो इस विषय में विभिन्न जो ग्रंथ हमें उस समय के मिलते हैं उनमें मत भिन्नता पाई जाती है। अब जैसे बौद्ध ग्रंथों को अगर लिया जाए तो बौद्ध ग्रंथों के अनुसार गंगा के किनारे एक पहाड़ की तलहटी में जवाहरात की एक खान मिली और लिच्छवियों तथा अजातशत्रु में समझौता हुआ कि दोनों जवाहरातों को बराबर बराबर बांट लेंगे, लेकिन लिच्छवियों ने इसका उल्लंघन किया और दोनों में संघर्ष का कारण बन गया यह। तो जैनों के अनुसार झगड़े का कारण मगध राज्य का हाथी सेनग और 18 लड़ियों वाली मोतियों का हार थी जो कि बिंबिसार ने अपने पुत्र हल और बेहल को दिया था। वे उस हाथी एवं हार को वैशाली अपने नाना चेतक की सुरक्षा में ले आए। अजातशत्रु उन वस्तुओं पर अपना अधिकार जता रहा था, अतएव उसने चेतक के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी। यह भी कहा जाता है कि उसकी पत्नी पद्मावती ने अजातशत्रु को इस संघर्ष के लिए उकसाया। तो उम्मीद है कि आपको यह समझ में आ गया होगा कि झगड़े का कारण क्या था दोनों के बीच में, जो अलग अलग जो बौद्धों ने जो कहा, जो जैनों ने कहा, वो आपको बताया। अब लिच्छवियों की शक्ति जो थी वो बहुत अधिक थी, लिच्छवियों की शक्ति उस समय अपनी चरम सीमा पे थी और उनको पराजित करना आसान काम नहीं था। चेतक काशी और कौशल के गणराज्यों से जुड़ा हुआ था और उसे लड़ना चाहिए अथवा समर्पण करना चाहिए। तो इस प्रकार अजातशत्रु की जो सेना थी उसे एक ताकतवर गणराज्य से लोहा लेना था। तो इस तरह से जो है हम ये देखते हैं कि लिच्छवी गणतंत्र पे अधिकार करना इतना आसान नहीं था जितना कि अजातशत्रु ने सोच रखा था। और मगध, पूर्वी भारत जो पर मगध संप्रभुता स्थापित करना चाहता था,
और जिसे दोनों ही पक्ष अच्छी तरह से जानते थे। लिच्छवी भी इस बात को जानता था कि मगध की महत्वाकांक्षाएं बहुत बड़ी हैं, और मगध तो खैर जानता ही था। तो इस बड़े संघर्ष के समय जिसने कि देश की राजनीति में एक तरह से सनसनी फैला दी थी, उस समय जितने भी जो महाजनपद वगैरह थे, तो इन दोनों की के संघर्ष से सभी जो है वो एक तरह से परेशान थे। बुद्ध जिन्होंने की सांसारिक प्रवृत्तियों को त्याग दिया था, उन्होंने महसूस किया कि उन्हें देश की राजनीति में उचित हिस्सा लेना चाहिए। एक पैदाशी लोकतंत्रवादी और लोकतंत्रीय हितों के संरक्षक की तरह लिच्छवियों को विश्वास दिलाया कि उनका पराजय नहीं हो सकता, चाहे अजात शत्रु जितने भी शक्तिशाली हों। अजात शत्रु जैसे शक्तिशाली शत्रु को भी जो है वो पराजित कर सकते हैं अगर कोशिश करें तो। अजात शत्रु ने महसूस किया कि वह केवल लिच्छवियों की आंतरिक एकता को भंग करके ही उनके ऊपर अधिकार कर सकता है। तो उसने इस संबंध में अपने मंत्री वत्सकार की सेवाएं ली और उसे वैशाली में उसने प्लांट किया, जिसे आजकल की भाषा में कहते हैं वैशाली में उसको नियुक्त किया। उसके कार्यों का फल प्राप्त करने के लिए काफ़ी इंतजार करना पड़ा। वत्सकार लगभग 3 वर्ष तक वहाँ रहा, जब तब जा कर के परिणाम आने प्रारंभ हुए। लिच्छवियों के विभिन्न वर्गों में जो कमज़ोर और शक्तिशाली लोग थे या अमीर गरीब थे, तो उनमें एक तरह से इसने फूट डाल दी। तो इस तरह से मतलब एक लिच्छवियों को में एक तरह से इसने सामाजिक अराजकता फैला दी फूट डाल करके। तो इस प्रकार अजात शत्रु को अपना कौशल दिखाने के लिए अब उचित समय लगा, क्योंकि अब सही तरीके से कहा जाए तो लड़ाई के लिए जो रंगमंच था वो तैयार हो चुका था। अजात शत्रु ने लिच्छवियों को नष्ट करने के लिए बहुत बड़े पैमाने पर तैयारी की। लिच्छवी गणतंत्र गंगा पार था, जबकि उसकी राजधानी राजगृह है जो थी वो पहाड़ियों में थी। तो उसे एक सुविधाजनक स्थान की तलाश थी, और इसके लिए जो है उसने गंगा के किनारे एक किला बनवाया, और इसका निर्माण उसने अपने मंत्रियों सुनीध और वत्सकार के देख रेख में पूरा किया। तो इसका निर्माण पूरे होने पर दोनों मंत्रियों ने बुद्ध को भोज पर बुलाया, और जिस गेट से या जिस दरवाजे से बुद्ध ने इसमें प्रवेश किया था उसका नाम बुद्ध द्वार रख दिया, और जिस घाट से गौतम ने नदी पार की थी उसका नाम गौतम घाट रख दिया गया। कहा जाता है कि इस अवसर पर बुद्ध ने कहा था कि पाटलिपुत्र एक दिन भारत का या उत्तर भारत का, आर्य भारत का आप कह लीजिए कि मुख्य नगर बनेगा, और व्यापार वाणिज्य तथा आर्थिक संपन्नता का केंद्र बनेगा। तो इस किले के निर्माण के उपरांत वैशाली पर आक्रमण किया गया। लिच्छवी जो कि तब तक जहाँ फूट पड़ चुकी थी, जहाँ सामाजिक अराजकता फैल चुकी थी, अब वो धीरे धीरे विघटित होने लगा। अब वहाँ के लोग निर्णय नहीं कर पा रहे थे कि शत्रु का सामना कैसे किया जाए, किस तरह से किया जाए। तो इस तरह से ज़्यादा विवरण न देते हुए केवल यहाँ पे यही कहूँगा कि अब अजात शत्रु के लिए जो है वो यहाँ पे अपना अधिकार करना आसान था। जैन ग्रंथ मगध सेनाओं के सैनिक अभियानों का कुछ अधिक रुचिकर विवरण प्रस्तुत करते हैं। अजातशत्रु ने सर्वप्रथम युद्ध के दो गुप्त युद्ध के में दो गुप्त शस्त्रों का प्रयोग किया, और तो ये जो गुप्त शस्त्र थे, ये एक का नाम कहा जाता था महाशिला कंटक, तो
ये पत्थर फेंकने ये पत्थर फेंकने का एक प्रक्षेपक यंत्र था, और दूसरा जो था वो रथ मूसल नाम का यंत्र था। तो इस तरह से जो है आधुनिक इतिहासकार जो है वो ये कहते हैं कि जैसे आजकल विश्व युद्ध के दौरान जो है टैंक वगैरह का प्रयोग किया गया था, तो ये उस समय के लिए उस युद्ध के लिए ये शिलाकंटक और रथ मूसल जो थे वो टैंक की ही भूमिका निभा रहे थे। यह एक दीर्घकालिक युद्ध था और इसकी तैयारी में भी कई वर्ष का समय लगा। 2 वर्ष गंगा के किनारे किले के निर्माण में और 3 वर्ष अन्य गुप्त सैनिक तैयारियों में लगा। तो मगध के जासूस या वो वैशाली में भेजे गए। इसके अलावा मागधों को केवल एक व्यक्तिगत गणतंत्र का ही नहीं बल्कि एक शक्तिशाली सम्मिलित संघ का सामना करना पड़ा। तो मित्रों, इस तरह से अजातशत्रु जो था वो विजयी हुआ इस युद्ध में। अजातशत्रु की विजयों ने उसके और अवंती के राजा प्रद्योत के बीच शत्रुता की स्थिति को भड़का दिया। यद्यपि अजातशत्रु के लिए यह एक कठिन कार्य था कि वह एक ही साथ दो शत्रुओं से निपटे, किंतु उसने सफलतापूर्वक इस कार्य को पूरा किया। उसने प्रद्योत के खिलाफ भी मोर्चा खोला और प्रद्योत तो उसका कुछ नहीं कर पाया। तो इस प्रकार उसने मगध साम्राज्य की सीमाओं का विस्तार किया और आगे आने वाले शासकों के लिए उसने एक मजबूत आधारशिला प्रदान की। बिंबिसार के ही समान जैन और बौद्ध अजातशत्रु को अपने अपने धर्म से संबंधित होने का दावा करते हैं। जैसे बिंबिसार के लिए कहते थे कि वो जैन था, जैन लोग और बौद्ध लोग कहते थे बौद्ध था, तो ऐसे ही अजातशत्रु को भी वो अपने अपने धर्म का बताते हैं। जैसा कि हमें मालूम है कि जैन ग्रंथ उसे पूर्ण रूपेण अपने पिता का हत्यारा नहीं मानते। वो बताते हैं कि अजातशत्रु अपनी रानियों और परिजनों के साथ बराबर महावीर के पास जाता था। उसका वैशाली और चंपा से घनिष्ठ संबंध था और जैन सन्यासियों की वो प्रशंसा करता था। तो औपपटिक सूत्र में वह महावीर एवं उनके शिष्यों के सामने खुलेआम अपनी महावीर के प्रति भक्ति की घोषणा करता है। यह महावीर को सच्चा गुरु मानता था वह, और उनके त्याग, करुणा, अहिंसा आदि पर आधारित धर्म को सच्चा धर्म मानता था, जैसा कि जैन लोग दावा करते हैं, जैन ग्रंथ दावा करते हैं उस समय के। इसी तरह से बौद्ध धर्म की बात करें तो जो बौद्ध ग्रंथ वगैरह हैं, जो बौद्ध सूत्र हैं, वो हमें ये बतलाते हैं कि बुद्ध के साथ अजातशत्रु के संबंध प्रारंभ में शत्रुतापूर्ण थे, और लेकिन ये संबंध बाद में अजातशत्रु की बुद्ध के प्रति भक्ति में परिवर्तित हो गई। यानी कि पहले वो उनको अपना शत्रु मानता था, बाद में उनका भक्त बन गया। तो शत्रुता का कारण बुद्ध का दुष्ट चचेरा भाई देवदत्त था, किंतु अपने पिता की मृत्यु के उपरांत उसने बुद्ध के पास जा करके पश्चाताप किया। भारहूत के एक शिलालेख में भी अजातशत्रु का बुद्ध के पास जाने का उल्लेख है। बुद्ध के पास जाने के बाद अजातशत्रु के धार्मिक जीवन में ऐसा कहा जाता है कि एक महान परिवर्तन आया। महावंश के अनुसार उसने जो है वो जब बुद्ध की मृत्यु हुई, तो बुद्ध की मृत्यु होने के बाद जो है उनकी अस्थियों पर भी उसने अपना दावा प्रस्तुत किया, और दावा प्रस्तुत करने के बाद जो है उसने उसका ये कहना था कि वो चूंकि शासक है वो, तो इसलिए जो है वो बुद्ध की अस्थियों का एक भाग उसे मिलना चाहिए। और उसने राजगृह में, ऐसा कहा जाता है कि उसने एक स्तूप का निर्माण कराया, उसने बहुत सारे और भी धातु चैत्यों का निर्माण कराया। उसने बौद्ध धर्म में अपनी भक्ति को प्रकट करने के लिए राजगृह में 18 महाविहारों का भी निर्माण कराया, जो कि बुद्ध की मृत्यु के बाद बौद्धों द्वारा नष्ट कर दिए गए। अंतोगत्वा वो बौद्ध धर्म के इतिहास में इसकी प्रथम महासंगीति में सहयोग देने के लिए भी प्रसिद्ध है, और इसके कारण वो अमर हो गया। यानी कि बौद्धों की जो प्रथम महासंगीति थी
वो अजात शत्रु के समय में ही हुई थी। तो यहाँ इतना समय नहीं है कि महासंगीत का पूरा विवरण हम आपको दे पाए। मित्रों, अब आइए अजात शत्रु के उत्तराधिकारियों के बारे में कुछ बातचीत करते हैं। बौद्ध परंपरा के अनुसार अजात शत्रु के बाद चार राजा हुए और ये सभी पितृहंता थे, और 56 वर्षों के उपरांत जनता जागृत हुई। उन्हें यह महसूस किया कि वह हत्यारों के राजवंश के अधीन शासित हो रहे हैं। अंत में उन्होंने मंत्री शेषनाग को राजा बनाया और अपना रोष प्रकट किया। मित्रों, अजातशत्रु का उत्तराधिकारी उदयभद्र हुआ या उदयन, और जो कि पौराणिक स्रोत उदयन से मिलता जुलता है, उदयभद्र या उदयन आप कह लीजिए। तो एक जैन ग्रंथ कथा कोश के अनुसार वह अजातशत्रु और पद्मावती का बेटा था। जैन परंपरा बौद्धों के समान ही उदयभद्र को पितृहंता नहीं मानती है, बल्कि उसे अपने पिता के प्रति समर्पित पुत्र बताती है, जो कि अपने पिता की मृत्यु के समय चंपा का गवर्नर था और पिता की मृत्यु से बहुत शोकाकुल हुआ था। तो उदयभद्र को मुख्य अधिकारियों के द्वारा गद्दी पर बैठने के लिए बुलाया गया था और उसने चंपा से पाटलिपुत्र के लिए प्रस्थान किया, जहां उसने कुसुमपुर नामक एक नए नगर का निर्माण किया। मित्रों, जैसा कि वायु पुराण एवं एक जैन चैत्य गृह से पता चलता है कि उसने कुसुमपुर नाम के नगर का निर्माण किया था, तो वह एक श्रद्धालु जैन था और अष्टमी तथा चतुर्दशी का व्रत रखता था। एक दिन जब वह प्रवचन सुना रहा था तो उसकी हत्या कर दी गई। कहा जाता है कि इस हत्या में उसके राजनीतिक प्रतिद्वंद्वी अवंती के राजा पालक का हाथ था, जो कि अजातशत्रु के शत्रु प्रद्योत का पुत्र था और जो कि कौशाम्बी विजय के कारण शक्तिशाली हो गया था। फिलहाल पालक इसके पूर्व उदयभद्र द्वारा कई बार पराजित किया गया था, लेकिन वो उसकी हत्या करने वाला हत्यारा बन गया। तो अगले दो राजा अनुरुद्ध एवं मुंड थे। तो अनुरुद्ध मुंड और इसके बाद नागदाशक शासक हुआ, जो कि पुराणों के दर्शक के रूप में समझा जा सकता है। नागदाशक को पुराण संभवतः दर्शक कहते थे। स्वप्नवासवदत्तम नाटक जो है भास का, उसमें दर्शक को उदयन का समकालीन बताया गया है। तो हरण्यक वंश या हरियंक वंश का पतन, शिशुनाग वंश की स्थापना हरियंक वंश का जो अंत है वो शिशुनाग वंश की स्थापना करवाता है। तो शिशुनाग वंश एक नया वंश अब हमारे सामने आता है, उसके बारे में हम अभी थोड़ी सी चर्चा करेंगे, जो कि बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है फिर भी। तो बौद्धों ने जो सूची दी है उसके अनुसार शिशुनाग अगला शासक था। पुराणों के अनुसार शिशुनाग प्रद्योतों की शक्ति को नष्ट करने के उपरांत गद्दी पर आया। उसने गिरिव्रज को राजधानी बनाई और अपने पुत्र को वाराणसी का गवर्नर इंचार्ज बनाया। संभवतः वत्स एवं कोशल दोनों राज्य मगध में मिला लिए गए थे। तो इस प्रकार मगध साम्राज्य में उत्तरी भारत के सभी राज्य प्रायः मिला लिया गया। कालाशोक, जो कि शिशुनाग का उत्तराधिकारी था, संभवतः पुराणों का काकवर्ण हो सकता है, और तो इसे कालाशोक या काकवर्ण दोनों आप अपनी पाठ्य पुस्तकों में देखते हैं, दोनों नाम लिखे रहते हैं। तो कालाशोक जो था वो या काकवर्ण
वो इसलिए प्रसिद्ध है कि इसके समय में दूसरी बौद्ध महासमिति का आयोजन संपन्न हुआ। उसका अंत बड़ा दुखद हुआ, जैसा कि परवर्ती साहित्य से पता चलता है। बाणभट्ट के हर्षचरित से पता चलता है कि उसके गले में ये धारदार हथियार, डैगर टाइप का कोई हथियार घोंप करके उसकी हत्या कर दी गई थी। और कालाशोक अपना काकवर्ण अथवा काकवर्ण का हत्यारा जो था, वो संभवतः अगले राजवंश का संस्थापक था। पुराणों के अनुसार एक अन्य राजा महानंदिन का भी उल्लेख मिलता है, किंतु यह बहुत ही विवादास्पद है। जब तक हम यह कल्पना करें कि वह कालाशोक के 10 पुत्रों में से एक नहीं था, तो शिशुनाग वंश का इस प्रकार बहुत ही खराब अंत हुआ। विभिन्न स्रोतों के अनुसार यह तो बिल्कुल स्पष्ट है कि शिशुनाग वंश का अंत एक श्रद्धा विहीन रानी के षड्यंत्र के फलस्वरूप हुआ। मित्रों, एक आध बात आपको और बतानी है कि अब जैसे उदयन जो था, वो उदयन के शासनकाल में एक प्रसिद्ध घटना हुई, ये हुई कि उसने गंगा और सोन नदियों के संगम पर, जो कि आप अपने स्क्रीन पर भी देख सकते हैं यहाँ पे, कि उसने गंगा और सोन नदियों के संगम पर नई राजधानी पाटलिपुत्र की स्थापना की। ये थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हो गया है, तो इसे स्थापना पढ़ें आप। तो इस तरह से आगे चल करके हम ये देखते हैं कि पाटलिपुत्र जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण नगर बन गया, और पाटलिपुत्र नगर जो है वो हम ये कह सकते हैं कि बहुत ही बड़ा एक केंद्र बन गया भारतीय संस्कृति का, भारतीय साहित्य का, भारतीय राजनीति का, भारतीय इतिहास का। और यहाँ पे न जाने कितने विद्वानों को शरण मिली इस नगर में, कितने विद्वानों ने यहाँ रह करके उच्च कोटि का साहित्य लिखा, कितने वैज्ञानिकों ने यहाँ रहते हुए नई नई खोज की। यहीं पर चाणक्य के जैसे जो प्रतिभाशाली विद्वान थे, जिन्होंने अर्थशास्त्र की रचना की। तो इस तरह से पाटलिपुत्र बहुत ही महत्वपूर्ण नगर बन गया था। तो महाबोधि वंश के अनुसार कालाशोक और उसके 10 पुत्रों ने लगभग 22 साल तक शासन किया, और उसके बाद फिर एक बार राजवंश बदल गया। अब एक नए राजवंश की स्थापना हुई, जिसे कहा जाता है नंद वंश। तो मित्रों, थोड़ी सी चर्चा हम नंद वंश पर भी कर लेते हैं। तो नंद वंश का संस्थापक ऐसा कहा जाता है कि नीच कुल का था। जैन ग्रंथ प्रशिष्ट परमन के अनुसार वह एक नाई का पुत्र था, नाई वेश्या के संयोग से हुआ था। पुराणों के अनुसार वह महानंदिन का शूद्र स्त्री से उत्पन्न हुआ पुत्र था। बौद्ध ग्रंथ उसे किसी अज्ञात कुल का बताते हैं। तो इन सब को देखते हुए उसे एक शूद्र पिता का पुत्र ही मानना अधिक समीचीन प्रतीत होता है। मित्रों, संस्थापक के विषय में तो ये विभिन्न मत मैंने आपको बताए। अब देखिए, नंद वंश के बारे में महाबोधि वंश में 9 नंदों का उल्लेख किया गया है, आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं। उग्रसेन, पंडुका, पंडुगटी, भूतपाल, राष्ट्रपाल, गोभीषाणक, दश सिद्धक, कविवर्त, धन। तो इस तरह से हम ये देखते हैं कि ये 9 नंद थे जिनके नाम का उल्लेख हमें मिलता है। अब नंद वंश के बारे में पुराणों ने विवरण दिए हैं, यूनानियों ने जो विवरण हमारे सामने रखे हैं, और जैन परंपरा से हमें जो जानकारी प्राप्त होती है, उनके आधार पर हम नंद वंश की शासकों की प्रशासनिक उपलब्धियों का, उनके साम्राज्य विस्तार का, उनके सैन्य संगठन का, आर्थिक दशा का, उनके प्रशासन इत्यादि का वर्णन कर सकते हैं। सॉरी। तो नंद वंश के प्रथम शासक का नाम विभिन्न ग्रंथों में अलग अलग है। पुराणों के अनुसार उसका नाम महापद्म नंद था, महाबोधि वंश के अनुसार उसका नाम उग्रसेन था। सभी इस बात से सहमत हैं कि नंदों के सभी राजाओं की संख्या 9 थी।
नव नंद, इसीलिए उन्हें कहा जाता था। पुराणों के अनुसार एक नंद पिता था, बाकी 8 उसके पुत्र थे। बौद्ध ग्रंथों के अनुसार 9 के 9 नंद भाई भाई थे। ध्यान दीजिएगा, पुराण कहते हैं कि एक पिता था और बाकी 8 उसके पुत्र थे। वहीं बौद्ध ग्रंथ उनसे भिन्न मत प्रस्तुत करते हैं, वो कहते हैं 9 के 9 भाई थे। महाबोधि वंश में उनके नाम जो दिए गए हैं वो आपके स्क्रीन पे हैं। तो इस तरह से अलग अलग मत हमें उनके बारे में मिलते हैं। तो पुराण केवल पिता और पुत्रों का उल्लेख करते हैं, तो वहीं पे आप देखिए जैन ग्रंथ जो है वो भी नव नंदों का उल्लेख करते हैं। पुराण हमारे सामने अधिक विश्वसनीय सामग्री प्रस्तुत करते हैं। उनके अनुसार नंद वंश का संस्थापक महापद्म नंद था। महापद्म नंद उत्तरी भारत का पहला, आप कह सकते हैं, महान और ऐतिहासिक शासक था। उसके नीच कुल में उत्पन्न होने की बात जो है वो काफ़ी समय से चला आ रहा है, ये मत जो है कि वो नीच कुल में उत्पन्न हुआ था। तो इससे ऐसा लगता है कि क्षत्रियों का जो राजनीतिक प्रभुत्व था उसका अंत होने लगा था। पुराने रूढ़िवादी विचार लुप्त हो रहे थे और बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म का इतिहास ये प्रदर्शित करता है कि यह धर्म एवं राजनीति में समान रूप से सत्य था। यानी कि धीरे धीरे हम ये देखते हैं कि एक तरह का सामाजिक राजनीतिक परिवर्तन का युग था यह। तो 6वीं एवं 5वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व में शूद्र आर्यावर्त में क्षत्रिय राज्यों के विध्वंस पर एक बड़े साम्राज्य का निर्माण कर रहे थे, और क्षत्रिय एक प्रचलित धार्मिक पंथ की नींव डाल रहे थे, जिसके कारण वैदिक धर्म खतरे में पड़ गया था। तो ये दोनों घटनाएं एक दूसरे से अलग अथवा भिन्न नहीं थी। तो इस तरह से अब जैसे क्षत्रिय अलग धार्मिक पंथ की नींव डाल रहे थे, ये कुछ लोगों का ये कहना है कि गौतम बुद्ध क्षत्रिय थे और महावीर जैन क्षत्रिय थे, तो वो एक तरह से वैदिक धर्म के विरुद्ध क्रांति कर रहे थे। हालांकि ये एक विवादित विषय है, इस पर फिर कभी चर्चा की जाएगी। लेकिन यहाँ ये हमें देखने में आता है कि क्षत्रिय राजवंशों का विध्वंस हो रहा था और उनके विध्वंस पर शूद्र राजवंश अपना राज्य स्थापित कर रहे थे, जिसे नंदों ने किया। तो दुर्भाग्यवश हमें नंद वंश के इतिहास के विषय में बहुत कम पता चलता है, जब तक कि हम उनके अंतिम राजा तक नहीं पहुँचते। तो यद्यपि पुराणों में उसके नाम का उल्लेख नहीं है, किंतु उसके पास से एक बड़ी भारी सेना होने का उल्लेख हमें मिलता है। जैसे सिकंदर के आक्रमण के समय लगभग 327 से 325 ईस्वी पूर्व में वो शासन कर रहा था अंतिम नंद शासक, और यूनानी लेखकों ने उसके बारे में काफ़ी कुछ लिखा है। यूनानी लेखक ये लिखते हैं कि उसकी शक्ति जो थी वो असीम थी। वो उसकी ख्याति के बारे में, उसकी लोकप्रियता के बारे में लिखते हैं। उन्होंने ये लिखा है कि एग्रमस नाम का एक शासक, वो नंद को अंतिम नंद शासक को एग्रमस या जैनरमस कहते हैं, और वो ये कहते हैं कि उसकी राजधानी पाटलिपुत्र थी और वह गंगा घाटी पूर्वी एवं मध्य भारत पर शासन करता था। संभवतः उसका साम्राज्य पंजाब के सीमांत प्रदेशों तक फैला हुआ था। कर्टियस के अनुसार उसकी सेना में 20,000 घुड़सवार, 2,00,000 पैदल, 2,004 घोड़ों वाले रथ थे और 3,000 हाथी थे। तो उस समय के हिसाब से ये बहुत बड़ी सेना थी। अन्य यूनानी लेखकों के अनुसार हाथियों की संख्या 4,000 से 6,000 तक थी, किंतु यूनानियों के विरुद्ध इस सेना का उपयोग करने का अवसर नंदों को कभी नहीं मिल पाया, क्योंकि सिकंदर का आक्रमण जो था वो पंजाब में ही समाप्त हो गया था, और संभवतः जो है वो नंदों की शक्ति से भयभीत होकर के जो उसके सैनिक थे उन्होंने आगे बढ़ने से इनकार कर दिया। तो नंदों ने
निश्चित रूप से अपना प्रभाव यूनानियों के ऊपर छोड़ा था। यूनानी जो है उसे भयभीत रहते थे, तो इसी से अनुमान किया जा सकता था कि भारत के जो दूसरे शासक थे उस समय, तो वो क्यों ना उससे भयभीत रहते होंगे। नंदो ने अपने प्रशासन में व्यवस्थित रूप से कर संग्रह के लिए अधिकारी नियुक्त किए थे, क्योंकि उनकी अर्थव्यवस्था जो थी वो बड़ी मजबूत थी, और उसका कारण यह था कि कर संग्रह के लिए उन्होंने ढेर सारे अधिकारी नियुक्त कर रखे थे, और इससे जो उनका राजकोष था वो कभी खाली नहीं रहता था, उसमें निरंतर वृद्धि होती रहती थी। और नंद राजा जो थे, जो नंद शासक थे, वो अपनी संपत्ति के लिए काफ़ी विख्यात थे और लोकप्रिय थे, तो आश्चर्य होता है कि सिकंदर तक ये लोकप्रियता तो अवश्य पहुंची होगी, लेकिन शायद भय के कारण वो वहां तक नहीं पहुंच पाए। मित्रों, नंदो का सबसे छोटा भाई धन नंद के नाम से प्रसिद्ध था, और उसने 80 कोटि या 80 करोड़ के मूल्य तक की संपत्ति गंगा नदी की एक गुफा में इकट्ठी की थी, ऐसा कहा जाता है। तो उसके छिपे धन की कहानी का उल्लेख एक तमिल कविता में भी मिलता है। वेन सांग ने भी इसका उल्लेख किया है, जो चीनी यात्री था जो हर्षवर्धन के समय में भारत आया था, और कहा है कि पाटलिपुत्र के 5 स्तूप नंदों के 5 कीमती खजाने हैं। कुछ नई जानकारियों के लिए हम जैन परंपरा के भी ऋणी हैं, और जैन परंपरा के अनुसार प्रथम नंद का मंत्री कालपक था, जिसके अधीन मंत्री विभाग था, और यह कहा जाता है कि उसी ने राजा को क्षत्रिय राज्यों की विजय और विध्वंस के लिए उकसाया था, और उसके सैनिक कार्यक्रम का अभियोजन भी उसी ने किया था। तो यह सब छोटी जातियों द्वारा बड़ी जातियों से बदला लेने की भावना से किया गया था, ऐसा जैन ग्रंथ कहते हैं। नंदो ने मंत्री का पद वंशानुक्रम के आधार पर कर दिया था। नवे नंद का मंत्री शक्पाल था, जिसके 2 पुत्र स्थूलभद्र एवं श्रीयक थे। शक्पाल की मृत्यु के उपरांत राजा ने उसका पद स्थूलभद्र को देना चाहा, लेकिन वह एक जैन सन्यासी बन गया, उसका स्थान श्रीयक ने लिया। तो जैनों का प्रभाव दरबार और समाज दोनों पर ही इस तरह से फैल गया था, इसे देखा जा सकता है। मुद्रा राक्षस में चाणक्य का मुख्य एजेंट एक जैन ही था, ऐसा प्रतीत होता है कि जैन धर्म का काफी प्रभाव उस समय था। मित्रों, आगे चल करके जैसा कि हम देखते हैं, आप मेरे दूसरे वीडियो में देख सकते हैं, मैंने चंद्रगुप्त मौर्य के ऊपर वीडियो बनाई है, उसमें आप देख सकते हैं कि किस तरह से चंद्रगुप्त मौर्य ने नंद साम्राज्य का विनाश किया, और उसकी लंबी कहानी है, तो यहाँ पे संभव नहीं है वो बता पाना। तो नंदों के दुखद अंत के बावजूद इस बात का श्रेय उन्हीं को है कि उन्होंने बिंबिसार और उसके पुत्रों द्वारा रखी गई मगध साम्राज्य की आधारशिला पर उत्तरी भारत में एक महान साम्राज्य का निर्माण किया। मगध साम्राज्य जिसका निर्माण उन्होंने किया, उसने लगभग संपूर्ण भारत को धीरे धीरे आत्मसात कर लिया अपने, और तो इस तरह से मगध साम्राज्य को भारत ही नहीं दुनिया के महानतम साम्राज्यों में से एक साम्राज्य उन्होंने बना दिया। मगध साम्राज्य की भौगोलिक स्थिति बहुत महत्व का विषय थी, गंगा, सोन, गंडक और घाघरा से यह घिरा हुआ था। पुरानी राजधानी जो थी वो वो पहाड़ियों से घिरी हुई थी, तो इसलिए काफी सुरक्षित थी। 7 पहाड़ियों से घिरी हुई थी पुरानी राजधानी, राजगृह या गिरिव्रज जिसे आप कहते हैं। पाटलिपुत्र भी गंगा एवं सोन के किनारे बसा था और प्रकृति के द्वारा ही पूरी तरह सुरक्षित था। रूढ़िवादिता से सापेक्ष स्वतंत्रता एवं विभिन्न संस्कृतियों के तर्क संगत मिश्रण ने जो है मगध साम्राज्य
को एक महत्वपूर्ण राज्य बना दिया था। संभवतः वैदिक राजतंत्र एवं संस्कृति ने अपनी शक्ति प्रदर्शित की थी और अब आर्यन आक्रमणों से अप्रभावित रहते हुए जो है मगध ने अपना काफ़ी विकास किया। और तो इस तरह से मगध जो है एक महत्वपूर्ण साम्राज्य बन गया मित्रों। तो मगध साम्राज्य के उत्थान में केवल जो है वो राजाओं का ही हाथ नहीं था, भौगोलिक स्थिति का भी हाथ था। गांगे अब जैसे अगर रोमिला था थापर की पुस्तक पढ़ें भारत का इतिहास, तो उन्होंने भी इस ओर संकेत किया है। गांगेय प्रदेश आर्थिक और सामरिक दृष्टि से बहुत अधिक महत्वपूर्ण था और इस प्रदेश में प्रभुत्व स्थापित करने के लिए काशी कौशल मगध ब्रिजियों में लंबे समय तक युद्ध चला जिसमें मगध की विजय हुई, ये सब हमने देखा। तो मगध जो है वो उसके उत्थान में राजाओं के अलावा वहाँ की जो भौगोलिक स्थिति थी और जो प्राकृतिक परिस्थितियाँ थी तो उन्होंने भी उसमें भूमिका निभाई। तो यहाँ एक बात उल्लेखनीय है कि मगध का उत्थान केवल बिंबिसार और अजातशत्रु की महत्वाकांक्षाओं के कारण ही नहीं हुआ, क्योंकि यद्यपि अजातशत्रु के बाद अनेक कमजोर शासक आए, हम देखते हैं सब पितृहंता थे, एक दूसरे को मार के आते थे। सारे अजातशत्रु बिंबिसार जैसे नहीं थे, लेकिन फिर भी मगध साम्राज्य जो है वो बना रहा, शक्तिशाली बना रहा, ताकतवर बना रहा। और भौगोलिक स्थिति के परिणाम स्वरूप मगध को गंगा के निचले मैदान पर और उस पर होने वाले व्यापार से बहुत अधिक राजस्व प्राप्त होता था, उसे आर्थिक फायदा होता था। व्यापार वाणिज्य से अंग की विजय से ये व्यापार और बढ़ गया, विदेशी व्यापार से जुड़ गया अब ये व्यापार जो अंतर्देशीय व्यापार था। साथ ही साथ जो प्राकृतिक संसाधन थे वो भी मगध के अनुकूल थे। कृषि के लिए भूमि बहुत उपजाऊ थी, जंगलों से लकड़ी और हाथी अच्छी संख्या में उपलब्ध हो जाते थे। सेना के लिए अच्छे किस्म के हथियार मिल जाते थे क्योंकि मगध में बहुत सारी लोहे की खानें थी और लोहे से अच्छे किस्म के औजार और उपकरण अस्त्र शस्त्र इत्यादि बनाए जाते थे। तो इस तरह से मगध के शक्तिशाली होने के ये भी महत्वपूर्ण कारण थे जिनसे कि ये संसाधन और संपदा, इतनी उर्वर भूमि बहुत सारे दूसरे राज्यों को प्राप्त नहीं थी, तो इनसे मगध जो है काफ़ी आगे बढ़ गया। तो मित्रों, उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने कमेंट अवश्य दें और मुझे ये भी बताएं कि आपको और किस विषय पर वीडियो चाहिए, तो मैं वीडियो बनाता रहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।